वेलकम टू विक्रम ट्यूटोरियल ग्रुप डिस्कशन के क्लास में आपका स्वागत है केमिस्ट्री के अगले एपिसोड में। धनायन तब बनता है जब जब धनायन ना इलेक्ट्रॉन को यानी कि त्याग करता है। सही है। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के जो अणु है वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जल के अणु हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। इसका आंसर होगा इनमें अंतरणविक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है कौन सा बंधन? सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजक बंधन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की है। चतुष्फल की। विद्युत संयोजक बंध बनता है धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। इसका आंसर होगा विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? सही है। रैखिक संरचना वाला अणु है एनओ टू, एसओ टू, एसआईओ टू, सीओ टू। एनओ टू, एसओ टू, एसआईओ टू, सीओ टू। CO2। इसका आंसर होगा CO2। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? HF। ठीक। NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध है NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध है सभी होता है। जल के अधिका अधिक क्वथनांक के कारण क्या होता है? इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, इसकी अधिक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जल के अणुओं का कम वियोजन, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन आबंधन। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है? KCl, BaO, CHCl3, CaH2। KCl, BaO, CHCl3, CaCH2, CaH2। आंसर होगा CHCl3 सहसंयोजी यौगिक। इथिलीन अणु की आकृति होती है एक रेखी, चतुष्फल की, अष्टफल की, समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति होती है एक रेखी, चतुष्फल की, अष्टफल की, समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फल की होती है? NH3, H2O, Cl, CH2, C2H2, CCl3। सही है। CCl4 होना चाहिए क्वेश्चन था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आंसर है तो CCl4। CCl4 होना चाहिए। गलत लिख दिया।
द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त अणु, मुक्त आयन, सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है? विद्युत संयोजक बंधन है CH, Cl3, CH4, O2, NaBr। NaBr ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिकों में आयनिक बंधन नहीं है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन। मीथेन। विद्युत संयोजक बंधन बनता है धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, इनमें से कौन है? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। ठीक है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है? उप सहसंयोजक, सहसंयोजक, विद्युत संयोजक, इनमें से कौन है? विद्युत संयोजक। ठीक है। ऋणायन आयन कब बनता है? ऋणायन कब बनता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेशित आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? सोडियम क्लोराइड रिपीटेड है। आयनिक बंधन विद्युत सहसंयोजक सही है। उसका आयनिक बंधन सही है बोला। विद्युत संयोजक बंधन आयनिक बंधन से। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? ये क्रियाशील कम, ये कम क्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयनन नहीं होता है, ये प्राय जल में अविलय होते हैं, इनमें अंतरणविक बल कमजोर होता है। ठीक है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही निर्मुक्त होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अणु की आकृति कैसी होती है? पिरामिड या वर्गाकार, समतलीय, वर्गाकार समतलीय, विकृति, चतुष्फल के, चतुष्फल के। पिरामिड ये वर्गाकार समतलीय, विकृति, चतुष्फल के, चतुष्फल के, चतुष्फल के स्कंध। NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध है सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, विद्युत संयोजक, इनमें से सभी? सभी। ठीक है, तीनों। थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए।